कैसे हो? बाबू कहाँ जा रही हो? दिल्ली? क्या लाओगी? दिल्ली। हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। तो ये रक्षाबंधन के नेक्स्ट डे का क्लिप है। मॉर्निंग का टाइम है और लड्डू गोपाल को मैंने स्नान करा दिया, सब करा दिया है, और उसके बाद इन्हें मैं चल रही हूँ भोग लगाने। तो अभी आप पहले सुन लीजिए छोटा सा भजन। बोल चले आएंगे कनाई, राधे राधे, ओ राधे राधे, बोल चले आएंगे कनाई, राधे राधे, बोल चले आएंगे कनाई, राधे राधे, बोल चले आएंगे कनाई। तो गाइज, यहाँ पर मम्मी गा रही थी और अनाया इतनी खुश थी, और पता नहीं क्या है, अभी से इतनी छोटी सी इतना कान्हा की दीवानी है। जैसे ही कुछ होता है ना, तुरंत कहती है कान्हा खाए, कान्हा कहाँ गए। और कुछ भी खाने से पहले बच्चे भूल सकते हैं, कोई मतलब गुनी शरद भूल जाती है, शरद भूल जाते हैं, बट ये नहीं भूलती है कि कान्हा खाए, जैसे होगा तुरंत। और ये देखिए सार्थक है, ये हमारे घर के कान्हा है, ये भी तो ये भी लेटे ही रहते। भाई मैं दिखा रही थी अनाया को, देखो ये भी तो कान्हा ही है। तो आज जो है मेरा जो छोटा भाई है ना, वो दिल्ली में रहता है, तो आज वो वापस जाएगा, तो उसी की सारी तैयारियाँ मम्मी करनी है, मतलब अभी करेंगी इसके बाद, और उसको भेजने की तैयारी करनी है। तो भाभी भी जाएगी साथ में और अनाया भी चली जाएगी, तो बहुत अच्छा नहीं लगता है सोच कर भी। तो मेरी तो वैसे भी आदत है फ़िलहाल, लेकिन मम्मी लोग को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है कि आज बच्ची चली जाएगी। और इसी को कहते हैं ज़िंदगी, कि एक तो मिलने की खुशी तो होती ही है, लेकिन जब बिछड़ते हैं ना तो बहुत दुख होता है। तो इसी का नाम है ज़िंदगी, कि एक जीवन के एक पहलू में सुख है तो एक पहलू में दुख भी है। तो उसके बाद ना सारी तैयारियाँ हो गई थी, तो हम लोग आ गए हैं स्टेशन, लोगों की ट्रेन है, और ट्रेन का जो टाइम है आई थिंक 2:30 बजे का है। तो हम लोग स्टेशन आ चुके हैं थोड़ा पहले ही, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ट्रेन आनी थी ना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो चलिए आप आगे वीडियो को एंजॉय करिए। ट्रेन से उतरा तो आ रही होता है। हेलो माँ, तो अभी वहीं पहुँची। बाबू कहाँ जा रही हो? दिल्ली। क्या लाओगी? बाबू कहाँ जा रही हो? वहाँ से क्या लाओगी? बिल्ली। अरे हम पंजा मारे, पंजा मारेंगी। दिल्ली जा रही हैं, दिल्ली झिल्ली लाएंगी कह रही हैं। आओ इधर देखो तो, बहुत अच्छा मास्क है, कौन दिया? हटो घर मार रहे मुझे, छाए में चलो घर, वही वही चलो जहाँ बड़े मामा जा रहे हैं वहीं पे चलो। आओ वहाँ पकड़ लो। अब इनको मजा आ गई, बस बाबू बस पैदल चलो। बाबू कहाँ जा रहा है? हाय कर लो, हाय कर लो। हाय, कैसे हो? कैसे हो? तो ये देखिए अनाया की मस्ती, इनकी मस्ती ना हर जगह चलती रहती है। तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, और भैया हैं ये मेरे, और छोटा भाई है वो अंजलि खड़ी हुई है, और ये मालगाड़ी आ गई थी ना, इस वजह से ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी, तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। तो ये देखिए गुनी है, शरद है, अंजलि है, और मैं हूँ, बाकी उधर सब लोग बैठे हैं जिधर सामान रखा हुआ है ना उस साइड पे। तो इसी बीच फिर अनाया को फ्रूटी पीनी थी, तो पहले से ही ट्रेन में सारी मतलब बच्चों के लिए ना कुछ चीज़ें रख लेनी चाहिए। एक तो कोविड का टाइम है, बच्चों को बाहरी चीज़ भी नहीं देनी है, तो दूध का भी जो है ना रात भर का सफ़र है, दूध चले या ना चले फट जाता है, इस वजह से मतलब भाई ने सब चीज़ें रख ली थी। तो ये देखिए ट्रेन का टाइम हो गया, उससे पहले ही मतलब भाई ने कहा कि अब आप लोग जाओ, क्योंकि ट्रेन आने पर ना हम लोगों को वहाँ रुकना अलाउ नहीं था। और ये देखिए मम्मी कितनी इमोशनल हो गई हैं, और मैं भी बहुत इमोशनल हो गई थी, तो मैंने वीडियो मतलब कैप्चर किया, इसलिए मैं इसमें नहीं दिख पा रही हूँ। अंजलि है, रो रही है। तो हाँ मैं बता रही थी ना कि अलाउ नहीं था कोविड की वजह से, और 50 रुपये का टिकट था, तो हम सारे लोग इतने लोग थे, इस वजह से हम लोग वहाँ पे नहीं रुके, लेकिन हम लोग का मन नहीं माना, और मम्मी है, माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है ना, वो मानता नहीं है। तो हम लोग प्लेटफॉर्म से एकदम बाहर आकर यहाँ पे खड़े होकर वेट कर रहे थे कि इधर से रानू की ट्रेन जाएगी ना, मतलब भाई का नाम रानू है घर का, तो हम लोग देख लेंगे, बट दिखा नहीं, क्योंकि इसी की मतलब
जो उसका जो डिब्बा था ना वो एयर कंडीशन था, तो इस वजह से उसमें हम लोगों ने उसे देखा नहीं, बस उन्होंने हमें देखा बस ये डिब्बा है ये देखिए। तो ट्रेन चली जा रही है, ये लोग जा रहे हैं, तो जब तक ट्रेन नहीं चली गई तब तक फिर हम लोग वहीं पे खड़े थे। मम्मी और मेरा भी मन नहीं कर रहा था छोड़ के आने का। उसके बाद शरद और गुनी और रूप यहाँ पर देख लीजिए कितनी मस्ती कर रहे हैं, मुझसे फ़ोन ले लिया और कहा मम्मी दे दो प्लीज़ दे दो दे दो। तो ये देखिए यहाँ पर ये लोग इस पर और इतनी शैतानी कर रहे थे यहाँ पर ना कि ऊपर जाने वाली जो ये सीढ़ी है ना ऑन थी, बट ऊपर से नीचे आने वाली ना शरद ने ऑफ़ कर दी थी। और जब एक बार ऑफ का हो जाती है ना तो फिर ऑटोमेटिकली वहीं से कंट्रोल रूम से वो ऑन होती है, क्योंकि लॉक रहता है ना। इतनी शैतानी ये लोग कर रहे थे। उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल गए घर के लिए। मेरा घर यहाँ से मुश्किल से 20-25 कदम की रेंज में ही है, बस थोड़ी सी दूर पे ही है। उसके बाद ये देखिए शरद की शैतानी, क्योंकि वापसी में रास्ते में आंटी के घर हम लोग थोड़ी देर बैठ गए थे तो कैमरा लगा था ना, तो वहाँ पे शरद ऐसे ही शैतानी कर रहे थे। मैंने कहा आपके साथ कैप्चर किया था तो लाओ शेयर कर दूँ। तो बस अब यही तक थी मेरी आज की वीडियो, और ये रहा गुनी के रक्षाबंधन का गिफ्ट। गुनी ने कहा मम्मी दिखा दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है दिखा देती हूँ। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा जरूर कमेंट में। और ये है फुटबॉल शरद की, इसे मतलब बर्थडे गिफ्ट था ना, तो फिर शरद को उनके छोटे मामा ने दी गिफ्ट में। तो बस अब यहीं पर करती हूँ वीडियो का एंड। वीडियो प्लीज़ अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।